हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, गुम है किसी के प्यार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो है और इसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जो कि गुम है किसी के प्यार में को बनाते हैं, यानी कि शाइका फिल्म्स की तरफ से एक नया शो आने वाला है। तो उसी की डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लें कौन से चैनल पर आएगा ये शो। तो गाइज़ अभी के लिए शोर तो नहीं है, लेकिन या तो स्टार प्लस पे आएगा ये शो, ज़्यादा चांस स्टार प्लस के ही हैं, लेकिन थोड़े से चांस ये भी हैं कि ये शो सोनी टीवी पर भी आ सकता है। तो ज़्यादा चांस तो स्टार प्लस के ही है, 95% चांस स्टार प्लस का है, लेकिन 5% ये भी हो सकता है कि ये शो सोनी टीवी पे आपको देखने को मिले। तो अब हम कास्ट की बात करें तो सिद्धार्थ बोधके को अप्रोच किया गया है इस शो में मेन लीड प्ले करने के लिए। उनको लास्ट टाइम गुम है किसी के प्यार में देखा गया था और एक इम्पॉर्टेंट रोल में, और वहीं से आखिरी बार उनको वहाँ पे देखा गया था, और वही शो है, उसी की प्रोडक्शन हाउस ये वाले नए शो को भी बना रही है। तो उन्हीं को अप्रोच किया गया है मेन लीड प्ले करने के लिए। अभी के लिए फाइनलाइज्ड नहीं है कि उन्होंने रोल प्ले करना है या फिर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। बाकी गाइस, और कास्ट की बात करें तो दिलनाज ईरानी को भी इस शो के लिए रोप इन कर लिया गया है और वो इस शो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। ज़्यादातर उनके कॉमेडिक करेक्टर्स होते हैं, लेकिन इस बार उनका आपको अलग अवतार इस शो में देखने को मिलेगा। बाकी राजीव कुमार को भी फाइनलाइज कर लिया गया है इस शो के लिए। उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वो मेन लीड यानी कि सिद्धार्थ के करेक्टर के फादर का रोल निभाने वाले हैं इस सीरियल में। सीनियर एक्टर कन्वरजीत को भी रोप इन कर लिया गया है इस शो के लिए, वो भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास करेक्टर डिटेल्स नहीं है कि किस तरह का उनका करेक्टर होने वाला है। तो गाइस, फीमेल लीड की जो खोज है वो चल रही है इस शो के लिए कि सिद्धार्थ के ऑपोजिट किसको रोप इन करेंगे वो, और अभी के लिए शॉर्ट लिस्टेड करी गई हैं कुछ फीमेल कुछ एक्ट्रेसेस को, और बाद में उनमें से किसी एक को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए किसी भी फीमेल लीड को फाइनलाइज नहीं करा गया है। लेकिन और जैसे ही कास्ट अपडेट्स आते हैं उन पर मैं आपको अपडेटेड ज़रूर रखूँगा ही। अब हम बात कर लें शो का नाम क्या होने वाला है। तो कभी कभी इत्तेफाक से ये शो का नाम होने वाला है, जैसा कि आपको मेरे वीडियो के टाइटल में भी पढ़ने को मिल ही गया है। तो कभी कभी इत्तेफाक से ये शो का अभी के लिए नाम डिसाइडेड है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए बिकॉज शो का नाम एक ऐसी चीज़ होती है लास्ट मोमेंट तक भी चेंज हो सकता होता है, लेकिन अभी के लिए यही डिसाइडेड है। ये एक फैमिली ड्रामा शो होने वाला है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास डिटेल्स नहीं है किस तरह का फैमिली ड्रामा, कैसी स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक बंगाली शो का रीमेक हो सकता है। तो गाइज़, ये थी कुछ डिटेल्स इस शो के बारे में। बाकी इस पर और जैसे डिटेल्स आती हैं कि ये स्टार प्लस पे कंफर्म आएगा या फिर सोनी टीवी पे, उस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे 95% तो स्टार प्लस ही है, तो स्टार प्लस पर ही आने वाला है, वैसे ही बहुत कम चांस है कि सोनी टीवी पर आए। तो एनीवेज, जो भी और इन्फो होगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा इस शो के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में बताइए आप इस शो के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, और शेयर कर दीजिए स्टार प्लस के फैंस के साथ। इसी पे सारे और अपकमिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप इस शो की और कोई भी अपकमिंग न्यूज़ को मिस ना करें, स्टार प्लस की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।